दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। उन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें उनकी हिस्ट्री को जानना पड़ता है, पर कई बार उनकी हिस्ट्री काफ़ी डरावनी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है एस अबव सो बिलो। अगर आपको मिस्ट्रीज़ के बारे में जानना या उन्हें एक्सप्लोर करना पसंद है तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपके लिए ही है। इस मूवी की IMDb रेटिंग्स हैं 6.2 out of 10 और जॉन एरिक डाउडन ने इसको डायरेक्ट किया है। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसमें कुछ लोग धरती के नीचे जाते हैं एक पत्थर को ढूंढने, और वहाँ पर उनके साथ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लेडी दिखती है जिसका नाम स्कारलेट होता है। वो ईरान में गैर कानूनी तरीके से जाती है। वो बताती है कि वो हबाला रीजन की तरफ जा रही है जहां गवर्नमेंट ने उन गुफाओं को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया है। उसे लगता है कि वो गुफाएं एक मिसिंग पीस है इतिहास का। वहां पर स्कारलेट की मदद रेजा नाम का एक आदमी करता है और उसे उस गुफा में ले जाता है जिसकी बात शुरुआत में स्कारलेट कर रही थी। रेजा ने अपने ही घर के एक कोने से उस गुफा में जाने का रास्ता बनाया हुआ था। वो दोनों उस गुफा में जाते हैं और स्कारलेट को वहां पर एक बड़ा सा पत्थर मिलता है जिस पर एशियंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। वो इस पत्थर को तोड़ती है और उसे तोड़ने के बाद उसे एक बड़े से बुल की मूर्ति दिखती है। स्कारलेट बताती है कि ये रोज की है और इसके ऊपर भी एशियंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है, पर उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि ये गुफा पूरी तरह से खत्म होने वाली है, यानी ब्लास्ट होने वाली है। इसी डर से रेजा स्कारलेट को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है, पर जब वो वहां से वापस जा रही होती है तब उसे एक बॉडी लटकी हुई दिखती है और ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं, पर रेजा उसको बचा लेता है। बचने के बाद रेजा उससे कहता है कि जो भी फ्लेमल स्टोन की तलाश में होता है वो मारा जाता है, क्योंकि स्कारलेट के पिता भी फ्लेमल स्टोन की तलाश में थे और वो भी मारे गए थे। और जो स्कारलेट ने वो बॉडी देखी थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसके पिता की थी। तो ये तो था इस मूवी का एक छोटा सा पार्ट, और अब शुरू होती है अब हमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम बेंजी होता है, जो कि एक कैमरामैन है। बेंजी उससे उसके बारे में पूछता है और स्कारलेट बताती है कि उसका नाम स्कारलेट मार्लोव है और वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। उसके पास एक PhD है आर्कियोलॉजी में और मास्टर्स है केमिस्ट्री में। वो चार भाषाएं जानती है और साथ ही साथ वो ब्लैक बेल्ट है कार मागा में। बेंजी उसके डैड के बारे में पूछता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें फिलोसोफर स्टोन के बारे में कितना बताया है। वो बताती है कि ये एक मायावी पत्थर है जो कि किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल सकता है और अनंत जीवन की पूंजी उपलब्ध करवा सकता है। इसके बाद वो पेरिस के एक घर में जाते हैं जहां पर 600 साल पहले निकोलस फ्लेमल्स रहते थे और यहां पर उन्होंने फिलोसोफर स्टोन को बनाया था। नहीं, वो पेरिस नहीं गए, वो पेरिस में ही है। वो वहां पर जाते हैं और निकोलस की कब्र के एक पत्थर को देखते हैं क्योंकि उसमें फिलोसोफर स्टोन की लोकेशन लिखी हुई है और ये पत्थर निकोलस ने खुद डिजाइन किया था। पर स्कारलेट को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। इसे समझने के लिए स्कारलेट अपने दोस्त जॉर्ज के पास जाती है जो कि एक चर्च की बेल ठीक कर रहा होता है। जॉर्ज बेंजी के बारे में पूछता है और स्कारलेट बताती है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसके स्टोन की तलाश पर। स्कारलेट उससे हेल्प मांगती है पर पहले तो जॉर्ज उसे मना कर देता है क्योंकि जब वो स्कारलेट के साथ उस स्टोन की खोज में था तब उसे टर्की की एक जेल में जाना पड़ा था। फिर वो जॉर्ज को बताती है कि उसे रोज की मिल गई है और उसे यूज करने के लिए उसको उसकी मदद चाहिए। ये सुनने के बाद जॉर्ज मान जाता है पर वो कहता है कि वो सिर्फ उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने तक की हेल्प करेगा। इसके बाद वो निकोलस की कब्र के उस पत्थर पर वापस जाते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते समय स्कारलेट उस पत्थर को निकालने को कहती है और एक बेंच पर उसे उल्टा करके रख देती है। फिर वो कुछ केमिकल्स उसके ऊपर डालती है और माचिस से हल्की हल्की आग लगा देती है और तभी उसे वहां पर कुछ लिखा हुआ मिलता है जो कि फिलोसोफर स्टोन तक जाने का रास्ता है। वो जॉर्ज के कैमरे से उसकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं
अब वो दोनों उसे एनालाइज करते हैं और थोड़ी देर एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चलता है कि 370.5 फीट नीचे वो जगह हो सकती है जहां पर उन्हें वो स्टोन मिल सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो 370.5 फीट नीचे कैसे जाएंगे। स्कारलेट कहती है कि हम पेरिस में हैं और 200 मील की सुरंगें उनके पैरों के नीचे है जहाँ पर 60,000 लाशों के अवशेष हैं। इसके बाद वो उन सुरंगों में जाने का रास्ता ढूंढते हैं मैप की मदद से। जॉर्ज बताता है कि रियू डेस इनोसेंट्स में एक कोलैप्स आया था और वहाँ एक रास्ता है सुरंग में जाने का। स्कारलेट कहती है कि हमें वहाँ जाना होगा, पर जॉर्ज वहाँ जाने से मना कर देता है। अब स्कारलेट उस सुरंग में जाती है एक विजिटर बनकर। उस सुरंग के दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा होता है जिसका मतलब है, रुक जाओ, ये मुर्दों का साम्राज्य है। और अंदर की तरफ 60 लाख मरे हुए लोगों के अवशेष रखे होते हैं। वहाँ पर स्कारलेट को फ्लेमल से जुड़ा हुआ एक और अवशेष मिलता है जो कि उसी कब्रिस्तान से है जहाँ पर फ्लेमल की कब्र थी। और तभी उसे स्टोन तक जाने का रास्ता मिल जाता है, पर उस तरफ काफी सारी हड्डियाँ रखी होती हैं और सामने जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी एक लड़का बोलता है कि उस क्लब में जाओ, नाम है ला शोकेस, वहाँ पर तुम्हें पैपियन मिलेगा, उससे पूछो। पर उसी वक्त वहाँ पर गाइड आ जाती हैं उन्हें बुलाने, क्योंकि वो ग्रुप से अलग हो गए थे। पर जब वो वापस उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो लड़का था, वो लड़का वहाँ पर नहीं होता। स्कारलेट जॉर्ज के साथ उसी क्लब में जाती है जहां पर उस लड़के ने जाने को कहा था। जब वो सब उस क्लब में जा रहे होते हैं तब हम व्यूवर्स को एक अजीब सी लेडी दिखती है जो उस क्लब के बाहर जा रही होती है। क्लब में जाते वक्त भी वो लेडी उन्हें ही देख रही होती है। अब स्कारलेट को पैपियन मिल जाता है और वो पैपियन को सब कुछ बता देती है। पैपियन उससे कहता है कि वो वहां पर गया हुआ है और अगर वहां कुछ होता तो उसे पता लग जाता। स्कारलेट कहती है कि वो जगह खजाने से भरी पड़ी है और उसे खजाने का 50% मिलेगा और वो मान जाता है। अगले दिन पैपियन स्कारलेट को अपनी टीम से मिलवाता है जिनका नाम जेड और सुक्सी होता है। वो सब अब उस रास्ते से जाते हैं जहां से पैपियन और उसके साथी गए थे, पर उन्हें जल्दी जाना होता है क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। वो सब हेडलैम्प्स पहन लेते हैं और कुछ हेडलैम्प्स में कैमरा लगा होता है। वो एक छेद से उस सुरंग में जा रहे होते हैं पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पैपियन उस पुलिसमैन से बच बचाकर उस सुरंग में आ जाता है और 2 स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। पुलिसमैन के आने की वजह से जॉर्ज को भी उनके साथ उस सुरंग में जाना पड़ा, जबकि वो नहीं जाना चाहता था। बेंजी स्कारलेट से जॉर्ज के प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और वो बताती है कि बचपन में जॉर्ज का छोटा भाई एक गुफा में छूट गया था। वो अब उस सुरंग में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और पैपियन को स्प्रे से अपना नाम लिखने की आदत थी और सुरंग में जगह जगह उसने अपना नाम लिखा हुआ था। सुरंग में चलते वक्त पैपियन को एक गर्म मोमबत्ती पड़ी हुई मिलती है। वो ये कहता है कि अंदर लोग होंगे और हमें वही लेडी फिर से दिखती है जो उस दिन क्लब से बाहर जा रही थी, और उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। ये सीन देखकर लगता है कि वो कोई प्रेयर कर रहे हैं। पैपियन बताता है कि हमेशा यहाँ पर जमीन के नीचे अजीब से लोग होते हैं। अब वो वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से पैपियन उन्हें एक रास्ता दिखाता है जहाँ से वो और उसके साथ ही पहले गए थे। पर उस रास्ते पर काफी सारी हड्डियाँ होती हैं, यानी उन्हें उन मरे हुए लोगों की हड्डियों के ऊपर से जाना होगा। बेंजी वो रास्ता देखकर डर जाता है और उस रास्ते से जाने के लिए मना कर देता है। स्कारलेट को वहीं पर एक रास्ता दिखता है जो कि काफी सारे पत्थरों से बंद कर रखा होता है। ये देखकर लगता है कि किसी ने इसे बंद किया हो। पैपियन बताता है कि इस रास्ते को कोई इस्तेमाल नहीं करता, जो कोई भी इस सुरंग में जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। पैपियन उन्हें अपने दोस्त के बारे में भी बताता है जिसका नाम लटोप था। लटोप यहाँ सालों से नीचे रहता था और उसे हर रास्ते के बारे में पता था सिवाय इसके, पर जब से वो वहाँ गया है तब से उसे किसी ने नहीं देखा। काफी बहस करने के बाद वो सब पैपियन की बात मान लेते हैं क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ रखा है, और एक एक करके जाने लगते हैं। पर जब बेंजी आ रहा होता है तब वो एक जगह पर फंस जाता है। वो थोड़ी देर तक उस जगह पर फंसा रहता है और आगे बढ़ने के लिए हड्डियों को सामने से हटाता है, पर हड्डियों के सरकने की वजह से वो जगह टूटने लगती है और सब कुछ ढह जाता है, पर बेंजी को कुछ नहीं होता। यहाँ से ये मूवी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब वो सब उस जगह को देखते हैं तो वहीं पर आ चुके थे जहां पर वो रास्ता था जहां से पैपियन उन्हें जाने के लिए मना रहा था। ये देखकर बेंजी उस पर भड़क जाता है, पर पैपियन कहता है कि इस सुरंग में कोई मोड़ नहीं है, ये बिल्कुल सीधी सुरंग है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस रास्ते के। वो उस रास्ते से जा ही रहे होते हैं
तब स्कारलेट को दीवार पर पैपियन का नाम लिखा हुआ दिखता है, पर पैपियन को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसी बीच उन्हें सुरंग में फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। जॉर्ज पैपियन से उस फोन के बारे में पूछता है और पैपियन बताता है कि एक फोन कंपनी यहाँ से अपनी लाइन्स चलाया करती थी और 50 साल पहले वो सब कुछ ले गए थे। वो सब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पियानो मिलता है। जॉर्ज कहता है कि बचपन में उसके पास भी एक ऐसा ही पियानो था, डैनी और वो उसे अक्सर बजाया करते थे। डैनी और कोई नहीं, उसके भाई का नाम था। वो उस पियानो पर एक ही गाना बजाते थे जिसका नाम माय बोनी लाइज ओवर द ओशन है, पर वो उस गाने को कंप्लीट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पियानो की A4 की खराब थी। और जैसे ही जॉर्ज उस गाने को उस पियानो पर बजाता है तो उस पियानो की भी A4 की खराब होती है। ये देखने के बाद वो सब डर जाते हैं। फोन फिर से बजने लगता है और वो सब उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। फोन मिलने के बाद स्कारलेट उस फोन को उठाती है और एक आदमी उससे कहता है, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की स्कारलेट, और वो आदमी चिल्लाने लगता है। तभी स्कारलेट फोन वापस रख देती है। फोन रखने के ठीक बाद उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि और कोई नहीं पैपियन का दोस्त लटोप था। वो बार बार बस यही कहता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और वहाँ से जाने लगता है। वो सब लटोप के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर एक रास्ते पर लटोप कहता है कि ये बाहर निकलने का रास्ता है। ये बात पैपियन को अजीब लगती है पर फिर भी वो सब लटोप की बात मान लेते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत गहरा गड्ढा मिलता है और वो एक एक करके जाने लगते हैं, पर जब बेंजी आ रहा होता है तब रस्सी टूट जाती है और वो बीच में ही अटक जाता है। नीचे आने के बाद स्कारलेट उसके हाथ पर पट्टी लगाती है क्योंकि उसके हाथों में चोट लग गई थी। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वैसे वैसे उनके साथ अजीब चीजें और बढ़ती जा रही थी। वो सब और आगे जाते हैं लटोप के साथ और चलते चलते वो एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, पर स्कारलेट और जॉर्ज एक छुपी हुई सुरंग खोज लेते हैं। उस सुरंग में जाने के बाद उन्हें एक 700 साल पुरानी डेड बॉडी मिलती है। जॉर्ज कहता है कि यही धरती का अंदरूनी हिस्सा होना चाहिए, पर स्कारलेट कहती है कि हमें और नीचे जाना होगा। स्कारलेट सबको हेडलैम्प्स बंद करने को कहती है और उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है जो कि दूसरी तरफ से आ रही थी। सबसे पहले स्कारलेट वहां पर जाती है और बाकी सब भी एक एक करके जाने लगते हैं। वहां पर उन्हें काफी सारा खजाना मिलता है और वहीं पर फिलोसोफर स्टोन होता है। स्कारलेट को ये बात अजीब लगती है क्योंकि वो फिलोसोफर स्टोन उन्हें आसानी से मिल जाता है। पैपियन उसके साथ ही उस जाली को जैसे ही तोड़ते हैं वैसे ही वो जगह टूटने लगती है, और अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वो एक जाल था। पर सुक्सी पत्थरों के नीचे दब जाती है। वो सब उसे निकालते हैं और उसके हाथ में गहरी चोट लग गई थी। वो जगह टूटने के बाद से उन्हें लटोप नहीं दिखाई दिया। उन्हें ये लगा कि वो पत्थरों के नीचे दब गया है। बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से वो उसे ना ही हटा पाते हैं और ना ही उन्हें लटोप मिलता है। स्कारलेट उस स्टोन को घिस के उसके हाथ की चोट पर अपना हाथ रख देती है और उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। Miracle, Miracle! वो और आगे जाते हैं और वो सब एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लिखा होता है, सब आशाएं छोड़ दो, वो जो यहां प्रवेश करता है उन्हें पेट के बल चलाया जाएगा अंधेरे के साम्राज्य में। यानी अब वो हेल में एंटर करने वाले हैं और उन्हें उस सुरंग में रेंग कर जाना होता है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद वो वापस से वही चीज़ें करते हैं जो उन्होंने पहले करी थी। यानी वो जिस जिस कमरे में गए थे उन्हें अब उन कमरों का अपोजिट दिखता है। एक जगह जहां पर फ्लेमल्स की डेड बॉडी रखी होती है उन्हें वहां पर लटोप मिलता है। सुक्सी उसके पास जाती है और लटोप उसको मार देता है। वो सब उस स्टोन की मदद से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं पर सुक्सी मर चुकी थी। वो सब लटोप को ढूंढते हैं पर वो वहां पर नहीं होता। अब वो सुक्सी की बॉडी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है जैसा उन्होंने पहले किया था। उन्हें उस गड्ढे में फिर से जाना होता है जहां पर लटोप लेकर आया था। पिछली बार जब बेंजी उस गड्ढे में जा रहा था तब उसकी रस्सी बीच में ही टूट गई थी, पर इस बार जब बेंजी उस गड्ढे में जा रहा था तब हम व्यूवर्स को वो लेडी फिर से दिखती है जो हमें क्लब और जमीन के नीचे दिखी थी। बेंजी को लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो अपने चारों तरफ हेडलैम्प की लाइट से देखता है और तभी वो लेडी उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है और बेंजी तेजी से नीचे की तरफ गिर जाता है। वो सब बेंजी को देखते हैं पर वो मर चुका था। वो आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें वही चीजें दिखती हैं जिससे कि वो कमजोर पड़ जाएं। जैसे एक जगह पर जॉर्ज को उसका भाई डैनी दिखता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो सब उसे समझाते हैं कि ये सच नहीं है। वहां से निकलने के बाद उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ जाते हैं और वहां उन्हें एक आग लगी हुई गाड़ी दिखती है जिसमें वही लड़का होता है जिसने स्कारलेट को पैपियन से मिलने के लिए कहा था।
ये देखने के बाद पैपियन बार बार कहने लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और वो उस गाड़ी की तरफ जाने लगता है मानो कि कोई उसको अपनी तरफ खींच रहा हो। सब पैपियन को बचाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं बच पाता। जैसे ही वो उस गाड़ी के अंदर जाता है वो गाड़ी वहां से गायब हो जाती है और वो जमीन में उल्टा धंसा होता है। वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं पर वो उसे नहीं निकाल पाते। अब बस वो तीन ही लोग बचे थे, स्कारलेट, जेड और जॉर्ज। जेड उनसे कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, पर वो कहते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। कुछ सुरंगों बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक कुर्सी पर एक अजीब सी ब्लैक हुडेड फिगर बैठी होती है। वो उससे दूर जा रहे होते हैं और तभी दीवार में से एक स्टोन फिगर बाहर आ जाता है और जॉर्ज की गर्दन पर हमला कर देता है। स्कारलेट स्टोन निकालती है और उस स्टोन से जॉर्ज की चोट को ठीक करने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ नहीं होता। स्कारलेट को ये देखकर हैरानी होती है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। तभी जॉर्ज स्कारलेट से कहता है विट्रियन, जिसका मतलब होता है कि धरती के अंदरूनी हिस्सों में जाओ, सुधार द्वारा तुम उस पत्थर को ढूंढ लोगे। यहाँ पर स्कारलेट समझ जाती है कि ये सही पत्थर नहीं है और तुरंत वो उस पत्थर को उसकी जगह पर रखने जाती है। लेकिन वहां जाते वक्त उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहां पहुंचते ही वो स्टोन को उसकी जगह पर रख देती है और सही स्टोन ढूंढने लगती है। अब वो बड़े से गोल्डन स्टोन की धूल को हटाकर देखती है और उसको वहां पर खुद का ही चेहरा नजर आता है। इसका सीधा मतलब ये था कि कोई स्टोन है ही नहीं और वो इंसान होता है जिसके अंदर ये शक्तियां आती हैं। नकली स्टोन को इस्तेमाल करने के बाद उसके अंदर सारी शक्तियां आ गई थी, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए उसे वो गलतियां एक्सेप्ट करनी होगी जो उसने की थी। वापस जाते समय स्कारलेट को उसके डैड दिखते हैं और उन्हें हक करके कहती है कि उसने उनसे ठीक तरीके से बात नहीं करी थी, उसके लिए सॉरी। और तभी उसके पिता की बॉडी वहां से गायब हो जाती है, यानी उसने अपनी गलती मान ली है। स्कारलेट जॉर्ज और जेड के पास जाती है और अपने हाथों से ही जॉर्ज को ठीक कर देती है क्योंकि उसके पास अब स्टोन की शक्तियां हैं। स्कारलेट उन दोनों को बताती है कि उन्होंने जो गलतियां की है उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, तभी वो यहां से बाहर निकल पाएंगे। तो जॉर्ज अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। जेड कहता है कि उसका एक बच्चा है जिसे उसने नहीं देखा और वो जानता है कि वो उसका है, लेकिन उसने उसे अपनाया नहीं, और जो वो उस लेडी के हाथ में बच्चा था वो जेड का हो सकता है। इसके बाद वो फिर से एक गड्ढे के पास जाते हैं और उसमें कूद जाते हैं और काफी देर तक वो उस गड्ढे के नीचे गिरते रहते हैं। कुछ देर बाद वो काफी गहराई में पहुंच जाते हैं और वहां उनको एक मैन होल दिखता है और उसको खोलते ही वो सब बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जेड उनसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और हम जॉर्ज और स्कारलेट को हक करते हुए देखते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अब हमें स्कारलेट दिखाई जाती है जिसमें वो कहती है कि उसे स्टोन का लालच नहीं है, बस वो सच को जानना चाहती है। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट गोस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों। ओ भाई आ जा, एग्जाम के लिए ही पढ़ना है। अब आ रहा हूँ। इंसान के